सो फाइनली वो दिन आ चुका है जब हम करने वाले हैं एक और नई गाड़ी का माइलेज टेस्ट। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ Hyundai Verna का माइलेज टेस्ट शेयर किया है, टाटा पंच का भी किया है, और आज मेरे साथ है एक मिड साइज एसयूवी जो Hyundai Creta की मेन कॉम्पिटिटर है। बता देती हूँ आप लोगों को, ये है ऑल न्यू किया सेल्टोस 2023 डीजल IMT, और आज मैं करने वाली हूँ इसका माइलेज टेस्ट। पेट्रोल पंप पर फिलहाल मैं हूँ और आज किया सेल्टोस का जो टैंक है वो फुल कराने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहले कितने में इसका टैंक फुल हो जाता है। वैसे जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 50 लीटर की है, 1.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ आती है, 115 BHP की पावर देती है और 250 NM का टॉर्क देती है। और अगर आपको इसका पूरा वीडियो देखना है अबाउट द फीचर्स और राइड रिव्यू तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। आज के सिर्फ वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके माइलेज के बारे में, क्योंकि मैं लेकर जाने वाली हूँ सीधा यहाँ से इसे हिल्स पर, दिल्ली से मसूरी सीधा आज किया सेल्टोस जाने वाली है फुल टैंक में। प्रॉस एंड कॉन्स बीच में सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब ये जो है ये डीजल IMT वाला वेरिएंट है, एंड IMT यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर क्लच नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास गियर बॉक्स है, मैं अपने हिसाब से गियर चेंज कर सकती हूँ। एंड बूट स्पेस की बात करूँ तो हम दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड सामान भी अच्छा खासा है, दो बड़े बड़े लगेज हैं, बूट स्पेस में आ जाते हैं। हालांकि इस गाड़ी में 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो यहाँ से शुरू हो गया है अपना ट्रिप, और गाड़ी में 3000 रुपए का डीजल मैंने फिल कराया था। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो काफी अच्छी खासी आती है। जब गाड़ी में मैं डीजल भरवा रही थी तो इसमें सिर्फ 30 से 31 किलोमीटर का डीजल बाकी था, एंड यहाँ पर आप देखो कि 3000 रुपए में जो इसमें किलोमीटर ड्रिवन आया वो आया है 806 किलोमीटर। 3000 रुपए में 806 किलोमीटर, नॉट बैड। ड्राइव करके देखते हैं कैसा होता है हमारा ड्राइवर। साथ ही साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप पे मैं पीछे कर रही थी तो आप कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हो, द कैमरा क्वालिटी ऑफ दिस कार इज अमेजिंग। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इसके बारे में शेयर किया था आप लोगों के साथ। एंड यहाँ पर हमने ट्रिप भी रीसेट कर दिया है एंड 806 किलोमीटर को लेकर हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखते हैं क्या माइलेज है। बेसिकली इसका माइलेज टेस्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि हमें पावर पता चल जाए, पिकअप पता चल जाए, परफॉर्मेंस पता चल जाए, साथ ही साथ कम्फर्ट भी पता चल जाए कि 4-5 घंटे अगर आप सेल्टोस को कॉन्टिन्यूसली ड्राइव करते हो तो आपको क्या एक्सपीरियंस इससे होने वाला है। तो यहाँ पर जस्ट अभी हम लोग निकले हैं, ये जिस हाईवे से मैं जाने वाली हूँ वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखो 806 किलोमीटर एग्जैक्ट दिखा रहा है एंड लगभग 200 मीटर ही अभी हम चले थे। अब 730 किलोमीटर आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले में, 73 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं मुजफ्फरनगर रोड देहरादून में। 2:09 हो रहे हैं और हम निकले थे घर से करीब 10 बजे के अराउंड, एंड जो इस बीच में हमें माइलेज दिखाया वो 20.4 के एम्पीयर का दिखाया। नॉट बैड, अभी तक ये माइलेज मुझे बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। 20.4 के एम्पीयर किसी डीजल या पेट्रोल कार से आप एक्सपेक्ट करते हैं तो दिस इज़ अ गुड थिंग। अब हाइब्रिड गाड़ियाँ भी जो इंडिया में आती हैं उनमें भी 27-28 के आसपास का ही वो माइलेज निकाल कर देती हैं। 6-7 किलोमीटर का डिफरेंस डेली वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बट जो रेगुलर बेसिस पे गाड़ी नहीं चलाते उनके लिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एंड यहाँ पर जो स्पीड मेंटेन है वो 100 के आसपास है एंड 2000 RPM पर 100 की स्पीड है। 6th गियर में अभी गाड़ी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे 6th गियर है एंड सामने देखो ये खाली रोड, आप इसे बिल्कुल भी नहीं काउंट करेंगे कि हाईवे है, क्योंकि हाईवे होता है जहाँ पर 2-व्हीलर ना हो, जहाँ पर 3-व्हीलर ना हो, बट यहाँ पर सब है। बार बार गियर भी डाउन करने पड़ रहे हैं, बार बार गाड़ी शिफ्ट भी हो रही है, उसके बाद भी ये 20.2 के MPL तक का माइलेज बड़े आराम से निकाल कर दे रही है। लेट्स सी, अभी देहरादून पहुंचते हैं और देखते हैं कि दिल्ली से एक्चुअल में देहरादून जब हम पहुंचते हैं तो जो ट्रिप निकल के आता है उस पर इसका एवरेज माइलेज क्या रहता है और ये कितना फ्यूल कंज्यूम करती है। अब आज मैं 250-300 किलोमीटर ट्रैवल करने वाली थी तो मुझे गाड़ी में एक ऐसा परफ्यूम चाहिए था जो पूरे रास्ते गाड़ी में फ्रेशनेस बनाए रखे, और इसके लिए आज मैंने यूज किया है इन्वॉल्व का जेल अटलांटिस परफ्यूम। जैसे गर्मियों में हमें फ्रेश होने के लिए पानी पीने की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह गाड़ी में अगर फ्रेशनेस चाहिए तो इसी तरह का एक परफ्यूम तो यूज करना बनता है। जैसे ही आप गाड़ी में एंटर करते हैं काफी अच्छी सी फ्रेग्रेंस के साथ एकदम फ्रेशनेस भर देता है। साथ ही साथ ये आप कैन देखो, काफी प्रीमियम से दिखने वाली कैन है एंड यहाँ
पर नॉब मिल जाती है जिसके जरिए इसकी फ्रेग्रेंस को आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। एनी हाउ ओपन करके देखे तो आप देखेंगे इसका जेल भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर आपको भी परचेज करना है, अपनी गाड़ी में चाहिए फ्रेशनेस, तो जल्दी से जाकर परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर मेरा कूपन कोड भामा यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एंड यहाँ पर ये हमें देखिए GT स्पोर्ट्स कार। अब इस तरह की जो स्पोर्ट्स कार है वो देहरादून साइड दिख जाती हैं, हमें गुड़गांव साइड दिख जाती है, दिल्ली NCR में थोड़ा रेशो कम है, बट हाँ दिख जाती हैं। यहाँ पर HP 12 नंबर देख सकते हो, हिमाचल प्रदेश का नंबर है, एंड डेफिनेटली ये यहीं जा रही है, बट मैं इसका पीछा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स कार है भाई, एक सेकेंड में ओवरटेक कर लेती है। एंड फाइनली यहाँ पर ग्रीनरी दिखनी स्टार्ट हो गई है, देहरादून का बहुत क्लोजर रास्ता आ चुका है, जो सिंगल वे है, जब आप मुजफ्फरनगर साइड से जाते हैं तो वो रास्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड हमने भी काफ़ी लंबा ट्रैवल कर दिया है, अगर आप डिस्प्ले में देखेंगे 190 किलोमीटर का ट्रैवल हम कर चुके हैं, 658 किलोमीटर का फ्यूल अभी लेफ्ट है। एंड यहाँ पर जो माइलेज दिखा रहा है वो 19.5 KMPL दिखा रहा है, मैक्सिमम जो गया है वो अभी तक 20.5 गया है, 19.5 यहाँ पर आ चुका है। एंड सी देहरादून सिटी में हम लोग जब एंटर किए हैं, 34 मिनट का अभी रास्ता है जहाँ हमें जाना है, हमने जो लोकेशन लगाई हुई है 19.5 से इसका माइलेज बिल्कुल भी कम अभी तक नहीं हुआ है। तो गाड़ी जो है वो सेकंड गियर में बहुत मैक्सिमम चल रही है, ठीक है, फर्स्ट गियर पे, और यहाँ आप जाम देख सकते हो, अच्छा खासा ट्रैफिक आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और जो लोकेशन है वो अभी है, मतलब 20 मिनट का रास्ता है, बट ये देख लो आप ट्रैफिक में ये गाड़ी 19.5 का माइलेज अभी दे रही है, अभी तक ये 18 पे नहीं आई है, मतलब हमारा जो वे था वो 5 घंटे के आसपास हो चुके हैं, क्योंकि कुछ देर हम रुके भी थे बीच में और वन वे ही था मुजफ्फरनगर सहारनपुर का जितना भी रास्ता था, तो इसने जो माइलेज है वो 18 से नीचे तो अभी तक नहीं आई है, 19 से नीचे तो अभी तक नहीं आई है, इवन 19.5 पे ही आई है, 20.3 KMPL के आसपास इसने स्टार्ट किया था। अब लेट्स सी ये इससे कितना डाउन जाती है, क्योंकि अभी 19 मिनट में पता चल जाएगा जितना ट्रैफिक है कि ये इससे नीचे जाएगी या नहीं जाएगी। अगर ये इससे नीचे नहीं जाती है तो भाई गाड़ी बहुत अमेजिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो 209 किलोमीटर का टोटल ट्रैवल हम लोग कर चुके हैं, 631 किलोमीटर अभी इसमें फ्यूल बाकी है, फुल टैंक करा कर चली थी मैं घर से, मैंने आपको दिखाया भी था, 3000 रुपये का इसमें हमने डीजल डलवाया था, अब देखते हैं 3000 रुपये में ये एग्जैक्टली यहाँ से 209 किलोमीटर अभी चल चुकी कितना और चलती है। एंड जब टैंक फिल किया था तो यहाँ पर आपने देखा था 806 किलोमीटर दिखा रहा था और अभी 209 चल चुकी है, अब 806 के हिसाब से लगा लो ये लगभग मेरे ख्याल से 600 के आसपास बैठना चाहिए, 631 किलोमीटर अभी लेफ्ट है, तो माइलेज तो इस गाड़ी का बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। और ये अभी ट्रैफिक की वजह से हम लोग रुके हुए हैं, बाकी अभी देहरादून में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, एंड देहरादून के बाद अब इसकी बारी है मसूरी जाने की, ऊपर से हिल्स पर लेके जाएंगे, वहां देखेंगे क्या माइलेज देती है, कैसा रिस्पॉन्ड करती है। बाकी 4-5 घंटे के हिसाब से ड्राइविंग पर्पज से मैं बताऊँ तो थकान तो इस गाड़ी में बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाली है एज यूजुअल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि IMTs में मिल जाता है। अब IMT से क्या होता है कि एटलीस्ट आपको थकान नहीं होती है, यहाँ पर क्लच प्रेस करने वाला सीन खत्म हो जाता है, हाँ थोड़ा सा गियर शिफ्ट आपको बार बार करना पड़ता है, बट वो थकान जो है वो हाथ और पैर की दोनों थकान है वो थोड़ा सा आपकी बच जाती है, प्लस जो कम्फर्ट है सीट्स का वो भी इसमें बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बहुत पीछे भी अच्छा खासा सामान गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लंच बॉक्स है, पर्स वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, बाकी डिग्गी में भी अच्छा खासा सामान जो है गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, तो थकान वाला सीन तो है नहीं। एंड फाइनली हम लोग देहरादून पहुंच चुके हैं, 616 किलोमीटर का ट्रिप जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ है एक साइड से, और ये दिखा रहा है यहाँ पे देहरादून UK, हम अभी एक मॉल की पार्किंग में है, तो ये आप देख सकते हो 19.2 किलोमीटर पर लीटर मिनिमम आया है, इससे कम अभी नहीं आया है, ठीक है। जो ट्रिप है हमारा टोटल 215 किलोमीटर का अभी हमारा ट्रिप जो है वो कम्प्लीट हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई गाड़ी आपको 20 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा का माइलेज दे रही है, वो भी डीजल किया की मिड साइज SUV सेल्टॉस, तो दिस इज अ गुड थिंग, अच्छा खासा माइलेज इसने दिया है, कंफर्ट इसने बनाए रखा है हमारे पूरे ट्रिप पे, एंड आई एम इम्प्रेस अबाउट किया सेल्टॉस माइलेज स्पेशली। तो ये था मेरा माइलेज टेस्ट दिल्ली टू देहरादून विद किया सेल्टॉस, आप लोगों को कैसा लगा एंड आप लोगों के क्या सजेशन है, कहीं मुझसे कुछ मिस हुआ होगा तो प्लीज डू शेयर इन कॉमेंट, बताइएगा कैसा लगा ये माइलेज टेस्ट।